अंत पे पानी आ गया जो मीम था, क्या था वो? हे हरि राम कृष्ण प्रेमानंद जगन्नाथ, ये क्या हुआ? ऐसा कुछ था ना भाई, उसको इस्तेमाल किया गया है। भूल भुलैया की हरे राम हरे कृष्णा जो सॉन्ग आया है अभी अभी, उसको इस्तेमाल किया गया है। मैं तो मतलब पहली बार जब मैंने सुना हे हरे राम बोलता है, तो मैं फिर थोड़ा सा पीछे करके देख, क्या हो गया ये, क्या हुआ ये, क्या हुआ? मतलब मेरा रिएक्शन वैसा था, ये क्या हुआ, ये क्या आ गया। तो उसको पूरा गाने में ना बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया गया है, और सही ढंग से इस्तेमाल किया गया है, अच्छा भी लग रहा है। और आखिर में बोलता है ये क्या हुआ, सच में ये क्या हुआ यार। मतलब सोशल मीडिया क्या नहीं कर रही है, कोई ऐसे ही मजाक में ऐसे बोल दिया। उनका प्रॉब्लम भी था, पानी आ गया था, और वो चीज इतना वायरल हुआ, उसको अवार्ड मिल गई। अभी बॉलीवुड सॉन्ग में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, भाई साहब कमाल है। चलिए बात करते हैं सॉन्ग के बारे में। तो सॉन्ग काफी मजेदार लगा, काफी बढ़िया लगा। सबसे पहले मैं कार्तिक आर्यन की बात करना चाहूंगा। भाई बंदा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है अक्षय कुमार को, है अक्षय कुमार को पूरा कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। वो सॉन्ग, वो स्टाइल, वो फिल्म, वो आइकनिक सब कुछ, इतना खतरनाक डांस, वो जो इसका जो सिग्नेचर जो 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 ट्यूनिंग है, जो म्यूजिक है वो इतना मजेदार लग रहा है। वो जो स्टेप वगैरह जो है, थोड़ा सा ये वहाँ भी ये जो स्टेप है ना, यहाँ पे भी थोड़ा चेंज किया गया है ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा। तो सब कुछ फेबुलस लगा, और कार्तिक आर्यन को देख करके बहुत मजा आया। अगर सॉन्ग की बात करें तो यहाँ पे दिलजीत भी जुड़े हैं, पिटबुल भी जुड़े हैं, तो दोनों की कोलाबरेशन में जिस तरह का सॉन्ग यहाँ पे मेड भी हुआ है, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं कि इस सॉन्ग को आप तीन तीन बार सुन चुके हो, भूल भुलैया में, भूल भुलैया टू में, और अभी यहाँ पे, तो मतलब रैंडम लगेगा, ऐसा नहीं है, काफी कुछ नया फील हो रहा है आपको। अब तो मतलब एक नया एक्सपीरियंस, नया एंजॉयमेंट आपको मिलेगा। तो सॉन्ग काफी बढ़िया लगा मुझे, और सही है, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं फिल्म में, फिल्म को भी इस तरह से, किस तरह से, मतलब ये भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी, मतलब फ्रेंचाइजी तो नहीं कह सकते, मतलब भूल भुलैया जो चल रही है 2 3 करके, उसको किस तरह से मॉडिफाई करे हैं, और 3 में क्या नया दिखाना चाहते हैं। दो दो मंजुलिका भी ले आए हैं। तो गाना तो बहुत ही, मेरी तरफ से तो पास है भाई, मुझे काफी बढ़िया लगा, मैं बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ। मतलब डांस, कोरियोग्राफी, कार्तिक आर्यन के स्टाइल, स्वैग, वो ये हे हरी राम वाला जो मीम का इस्तेमाल, और दिलजीत का वॉइस, मतलब पूरा का पूरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने काफी एंजॉय किया। आप अगर देख चुके हो तो जरूर कमेंट करना कि यह सॉन्ग आपको कैसा लगा।